अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कल मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी सिस्टर की मंगनी है, तो ना इधर हमने ये सारे बर्तन वॉश किए हैं और अम्मी साथ साथ ना साथ कपड़े भी वॉश कर रही हैं। दो हमने मशीनें लगाई हुई हैं। अम्मी इधर बैठ सारे बर्तन धो रही हैं। इसके बाद आज हमने शाम को फ़र्श भी धोना है। सारी सफाइयाँ की हैं आज। बर्तन भी सारे धोकर रखे हैं धूप पर, ताकि ये खुश्क हो जाएं। मैं इधर बैठ कर पढ़ रही हूँ, तो अब मम्मी ने मुझे कहा ये ना तुम करेले धो कर और छीलो, इसके छील के ना छोटे छोटे इसको पीसेस करके ना नमक लगा के ना धूप में रख दो। तो ये मैंने आज हमने दाल करेले बनाने हैं। तो आज जो भी होगा मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूंगी। आप सब प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने करेले काट लिए हैं। पहले मैंने छीले हैं और इसके अंदर से जो बीज होते हैं वो निकाले थे, फिर इसके ना छोटे छोटे मैंने पीसेस काट लिए हैं। तो हमने करेले काट के रख लिए थे, तो अब ये ना हमने दाल बॉयल करनी है। चनों की दाल है ये, तो इसको हम बॉयल कर लेंगे और फिर आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं हल्के हल्के, इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, वो भी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। इसको हमने नमक लगा के ना अच्छी तरह धो दिया है। और यहाँ पे टमाटर अदरक का पेस्ट और मिर्चें कटी पड़ी हैं। ये दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। इसके बाद मैं टमाटर डालूंगी और अदरक का पेस्ट और सारे ऑल स्पाइसेस डाल लूंगी, नमक, रेड मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भुनाई करूंगी। इसकी मसाला तैयार कर लूंगी, फिर अम्मी से पूछूंगी पहले करेले डालने या वो दाल, इतने में ये फ्राई हो जाएंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया था, तो ना अभी हमारे वो करेले भी फ्राई हो गए हैं, तो हमने ना अभी इसमें करेले डाल दिए हैं। तो ये अब थोड़ी देर ना इसकी भुनाई करेंगे, इसको भूनेंगे मसाले को और फिर दाल डालेंगे। तो अब हमने इसमें दाल भी डाल दिया है और थोड़ा सा बस पानी लगा के ना हम कुकर को ना 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे या हल्की आंच कर देंगे। दाल और करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं जी। हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है। तो आज आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने मंगनी के लिए चीज़ें बनाई हैं अपनी भाभी के लिए, मेरी कज़न भी हैं, तो हमने आउट ऑफ फैमिली नहीं की, हमने फैमिली में ये दोनों बहन भाई का रिश्ता किया है, तो ये हमने चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर सारी ये ना कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी, ज्वेलरी, बैग, और ये पीच कलर के कपड़े हैं। ये पीच कलर का ड्रेस है, बहुत प्यारा है ये, एम्ब्रॉयडरी, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था रेशमी। ये इसकी कमीज़ है, और यहाँ पे जो हमने दूल्हा भाई के लिए चीज़ें ली हैं वो वाली हैं, एक ड्रेस भी उनके लिए, परफ्यूम, शूज़ भाभी के, और यहाँ पर ये ज्वेलरी, मेकअप का सामान सारा, चूड़ियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और एक ये वाला शूज़ है जी,
इसके बाद ये रिंग है गोल्ड की हमारी भाभी के लिए, आप भी देखें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे हर बेटी के। आप भी कमेंट्स में लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।